ਚੱਡਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। पूरा इंडिया ब्लॉक आज इस दिल्ली सेवा बिल को हराने के लिए, इसके सिलसिले में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और हम इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी दिल्ली के बिल को रोकेंगे और जुडिशियल प्रोसेस से भी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इस बिल को रोकने का प्रयास करेंगे। ये बिल जो है ये बेसिकली दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने का बिल है। ये दिल्ली के 2 करोड़ आबादी के वोट के अधिकार को शून्य कर देता है, जीरो कर देता है, क्योंकि जो वोट डालकर आप अपनी सरकार चुनते हो सरकार के पास काम करने की कोई शक्ति नहीं और सारी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंप देता है। अब मुझे बताइए, अगर दिल्ली में किसी के घर पे बिजली नहीं आ रही या पानी नहीं आ रहा या किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा, तो क्या वो शख्स उपराज्यपाल के घर जाएगा, उपराज्यपाल के महल का दरवाजा खटखटाएगा या अपने विधायक मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाएगा? पूरी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी है, उसको रिवर्स करने का काम ये बिल करता है। हम इसकी खिलाफत करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि इसे हराएं और ये मेरा विश्वास है कि ये धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म हमारे साथ है, अधर्म भाजपा के साथ है और जब धर्म आपके साथ हो तो इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपका साथ देती हैं और आपकी विजय होती है। मेरा ये विश्वास है कि क्योंकि धर्म हमारे साथ है हमारी जीत होगी, संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, संघीय ढांचे की जीत होगी। संख्या उतनी है नहीं, अगर हम दोनों की तुलना करें तो एनडीए जो घटक दल है या बीजेडी वाईएसआरसीपी के सपोर्ट के बाद उनके पास ज्यादा संख्या बल है आपकी तुलना में? देखिए, वाईएसआरसीपी और बीजेडी की जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैंने पहले भी यही फरमाया था कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन मैं आज फिर से उन्हें भी और यहाँ तक कि बीजेपी के जितने सांसद राज्यसभा में बैठकर वोट डालेंगे उन्हें भी यही अपील करूंगा कि आप सब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, राज्यसभा में बैठे सांसदों का ज्यादा दायित्व बनता है, लोकसभा के मुकाबले ज्यादा दायित्व बनता है कि वो राज्यों की शक्तियों की रक्षा करें। तो मैं उस काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हवाला देते हुए उसके आह्वान पे इन सबको हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप सब संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली बिल को हराने में हमारा साथ दें, पार्टी लाइन से ऊपर उठें। आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो की या वाईएसआरसीपी के संविधान की शपथ नहीं ली, आपने भारत के संविधान की शपथ ली है। उस शपथ को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आपको आज पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बिल को हराने में सहयोग करना। क्या निजी तौर पे आप लोगों ने संपर्क किया कुछ सांसदों से जिनके लिए आप कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं वोट आपके समर्थन? देखिए, मैं मोटे मोटे तौर पे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर वो शख्स जो संविधान की रक्षा करना चाहता है वो साथ आएगा। किससे संपर्क हुआ नहीं हुआ वो बातें मुझे लगता है कैमरे पे करने की नहीं है। और जहाँ तक इस बिल को लाने का सवाल है, वो पार्टियां ये बात समझती हैं कि दिल्ली सेवा बिल दिल्ली में एक प्रयोग है। अगर ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो जाता तो बीजेपी सारे गैर भाजपा राज्य सरकारों की शक्तियां छीनने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करेगी, तो सब जानते हैं कि इस प्रयोग को रोकना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रयोग को रोकने में हमारा साथ दीजिए। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ कोई हमारा मकान थोड़ी है कि हमारे अकेले का मकान थोड़ी, अगर हमारे घर में आग लगेगी तो वो आग आपके घर तक भी पहुंचेगी, तो सावधान हो जाओ। इसीलिए मैं वाईएसआरसीपी, बीजेडी और तमाम गैर भाजपा सरकारों को, एनडीए घटक दल की गैर भाजपा पार्टियों को कहना चाहता हूं कि साथ आइए, इस बिल को हराना अति आवश्यक है। जी, आपके सांसद है।